दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? ये दोस्तों, मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूं टेस्टिमनी अपनी, आपने मुझे इस ऊपर चढ़ते देखा सीढ़ियों से, आज से मुझे अपने 8 महीने पहले देखा होता तो आप आश्चर्यचकित होते। खैर, मैं आगे बताऊंगा आपको। दोस्तों, मेरा नाम डीके शर्मा है, मैं पलवल में रहता हूँ, हरियाणा में जो एक शहर है। अपनी ये मैं नौकरी के दौरान ये सिंडिकेट बैंक में मैं 38 साल मैंने नौकरी किया, जिसमें 25 साल में ब्रांच मैनेजर था। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बैंकों में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है, पोस्टिंग भी दूर दूर होती रहती है, तो मेरी पोस्टिंग कई बार ऐसी जगह हुई जहाँ पे कि ना तो खाने को मिलता था और अपनी फैमिली फेस दूर था, तो उल्टा सीधा खा पी के सारा कुछ मेरा पेट खराब रहने लगा। ये 1985 की बात है, उस टाइम मेरा पेट खराब रहने लगा, मुझे एसिडिटी रहने लगी और मेरी एसिडिटी धीरे धीरे इतनी बढ़ने लगी कि मैं खाने से भी डरने लगा, भैया कुछ भी थोड़ा सा खा लिया तो पेट खराब हो जाएगा, इससे मेरा एसिडिटी हो जाएगी, रात को सो नहीं पाऊंगा, खट्टी डकाने आएंगी। खैर जी, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 करते, क्योंकि ऐसा वातावरण था जहाँ पे कि अच्छी वातावरण नहीं था, धूल मिट्टी उड़ती थी, धीरे धीरे अस्थमा हो गया। और अस्थमा का ये हाल मेरा हुआ कि कई बार तो मैं रोड पे चलते चलते गिर जाता था, और जैसे कि जोर से खांसी आई, खांसी आके एकदम दमे का दौरा पड़ा, रोड पे गिर गया, लोगों ने उठाया और बड़ा आश्चर्य लगा, क्या हो गया ये। खैर दोस्तों, धीरे धीरे ऐसे करते करते जिस टाइम मैं 50 साल तक एज पे आने लगा, उस टाइम मेरे घुटनों में भी दर्द रहने लगा और मैं उसके लिए पेन किलर्स लेता था, और एसिडिटी के लिए तो एंटासिड लेने के सिवा कोई चारा ही नहीं था, और जो मेरे अस्थमा था उसके लिए मैं पप्स और गोलियां लेता था शुरू में, जिसके बाद मैं डायरेफाइलिन और डेकाडन का इंजेक्शन लेना शुरू किया। और दोस्तों, जब 60 साल का जब मैं हुआ, उस टाइम तक मेरा वेट भी 115 किलो हो गया, जिससे कि ये अपने आप में एक बीमारी और पैदा हो गई। तो दोस्तों, अप्रैल 2013 में मैं अपनी नौकरी से रिटायर हुआ, तो मैंने सोचा चलो भाई, अब तो बैंक की नौकरी से तो चलो छुटकारा मिल गया, अब तो घर बैठ के आराम करूंगा, कोई बात नहीं है। 1.5 साल का पोता था मेरा, ये सोचा मैंने कि उसके साथ खेलता रहूंगा, खेलकूद में टाइम निकलेगा, अच्छा समय बीतेगा। दोस्तों, 15-20 दिन तो ऐसे निकल गए, चलो इस आराम का जो मूड आया उसमें तो भी, लेकिन उसके बाद शुरू हुई है मेरा अपना परेशानियाँ। तो जब भी कुछ खाऊं तभी परेशानी, जब भी कुछ खाऊं परेशानी। तो इसके लिए मैंने क्या शुरू किया, मैंने अपना खाना ही सुबह बंद कर दिया, जो मेरा सुबह का नाश्ता होता था उसी को मैं 1-2 बजे तक खींच जाता था, जिससे कि जो मेरी बहू थी और परिवार के अन्य लोग थे वो सभी कहते थे कि आप पापा जी खाना खा लो, खाना खा लो, तो मैं अवॉइड करते 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 अभी नहाऊंगा, अभी पूजा करूंगा, तो साथ में 1-2 बज जाते थे खाना खाने के लिए। उसके बाद भी फिर ऐसे ही था, बस कि थोड़ा खाना खाया और मेरे को हो गया प्रॉब्लम। अस्थमा का ये हाल था कि अस्थमा की दवाइयाँ लेते रहते परेशान हो गया था, और जहाँ घुटने का दर्द की हालत थी, थोड़ा सा चलता था 100 कदम चलने में भी दिक्कत होती थी। तो दोस्तों, मैं बड़ा परेशान था, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा भाई अब तो अपनी बीमारियों को दूर करूं, तो मैंने डॉक्टर के पास जाना शुरू किया। जब मैं एसिडिटी के लिए डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा जी एसिडिटी ले लो, जालिसिल ले लो, और ज़्यादा दिक्कत हो तो भाई और एंटासिड ले लो, और रात में आप ही उसके बाद जब होता था इनो ले लिया। और जहाँ तक मेरे अस्थमे की बात थी, जब भी चेंज सीजन होता था तो उसी टाइम दिक्कत होती थी, तो उसके लिए इंजेक्शन लेने लगा, स्टीरॉयड लेने लगा, डेकाडन डेलिफेन लेने लगा। और जहाँ तक घुटनों में दर्द था, घुटनों के लिए जब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गया तो उन्होंने कहा जी शर्मा जी ये तो घुटनों का दर्द तो ऐसा है, इसमें तो आपका अल्टीमेट तो आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और जब तक आपका चलता है काम तब तक आप ये पेन किलर्स लेते रहिए और दवाइयों के सहारे चलते रहिए, नहीं तो अल्टीमेटली तो आपको इसके लिए नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैंने अपने कई दोस्तों को देखा था कि जिन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करवाया था, लेकिन वो अपने ज़िंदगी से कभी सुखी नहीं थे, ना प्रॉपरली ज़िंदगी में बैठ सकते थे नीचे फर्श पे, और ना ही वो अच्छी तरह चल पाते थे। तो मेरा बिल्कुल ये लगता था भगवान ऐसा ना हो कि मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ जाए। तो मैं एक डॉक्टर से दूसरे के पास भागता रहा, अस्थमा की भी हालत थी। मैंने अल्टीमेटली मैं जा करके, मुझे किसी ने बताया दिल्ली में पटेल चेस्ट सेंटर है जहाँ पे कि अस्थमा का इलाज हो जाता है, एलर्जी का इलाज हो जाता है, उनके पास मैं गया तो उन्होंने एक बार जाके उन्होंने तो मेरे हाथों पे 48 इंजेक्शन लगाए, तब कहते हैं कुछ नज़र नहीं आया, एक बार फिर आओ। फिर उन्होंने अपने 72 इंजेक्शन छोटे छोटे मेरे पीठ पे लगाए, फिर कहते हैं जी इसका आपकी जो एलर्जी है
इसका हम कोई कारण ढूंढ नहीं पा रहे। आप दवाइयाँ यूज़ करते रहिए, अपने पफ लेते रहिए, अपने इंजेक्शन लेते रहिए, ज़िंदगी काटते रहिए। उसके बाद मैं एम्स में गया तो एम्स में यही कहा, जी आपका इलाज जब वहाँ नहीं हुआ, कोई वो ढूंढ नहीं पाए तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे एक दो दोस्तों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया कि जी शर्मा जी ऐसा है, आप जीना सीख लो इसके साथ, क्योंकि दमा तो दम के साथ ही जाता है। तो मैं दोस्तों इतना दुखी था जीवन से कि देखिए, मुझे भगवान ने सब कुछ दिया, अच्छा परिवार, अच्छा घरवार लंबा चौड़ा, अच्छी गाड़ी और पैसा, सब कुछ ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य नहीं था। तो ज़िंदगी में यही लगता था, भैया क्या दिया भगवान तूने मुझे, क्या दिया है। सब कुछ देख के भी जब स्वास्थ्य नहीं है तो मैं क्या एंजॉय करूँगा, क्या कुछ करूँगा। तो मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता था बहुत बार, तो इतना दुखी होता था कि मैं कहता था, भगवान या तो मुझे इन ये सारे दुखों से मुक्ति दे दे, या मुझे दुनिया से उठा ले। भाई ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, तिल तिल के जो मरता रहूं। जब तक बैंक में था तो रोजाना बैंक जाता था, बैंक से रिटायर हुआ तो अब रोजाना डॉक्टर के पास जाता हूं, और जितना मेरा पेंशन मिलता है उसका आधा पैसा तो डॉक्टर से निकल जाता है। खैर, तो उसी टाइम मुझे लगता है कि ऊपर वाले भगवान को जब आदमी बार बार प्रार्थना करता है तो रहम तो आता ही है कभी ना कभी, आखिर तो वो हमारा परमात्मा पिता है। तो जी उन्होंने, मुझे लगता है उनको मेरे ऊपर एक दिन रहम आया, और श्री एस बी वत्स जी, जो कि मेरे पुराने परिचित थे, जिनको मैं पहले से जानता था कि वो एक बड़े ही सिंसियर और बड़े ऑनेस्ट और बड़े ही दयालु उसके किस्म के पुलिस ऑफिसर थे, उनका फ़ोन मेरे पास आया। मैं उनके पास पहले से बहुत जानता था, लेकिन मैं दिल्ली से बाहर चला गया था, उनका फ़ोन मेरे से मिस हो गया। और मैं, और जब मैं दिल्ली से बाहर गया तो मेरा जो मेरा फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर था वो चेंज हो गया था, तो इसलिए 8-10 साल से हमारा कोई परिचय हो नहीं पाया था, अपनी कोई बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन उसी समय में उनको पत्नी भगवान ने प्रेरित किया, एक दिन वो डायरी देख रहे थे अपनी, उनको अपनी डायरी में मेरा लैंडलाइन नंबर मिल गया घर पे, और उन्होंने घर पे मुझे फ़ोन किया। तो पूछा उन्होंने, भाई साहब कैसे हो, तो ऐसी बातचीत, मैंने कहा कि बस जी कैसा हूँ, मेरे तो भैया स्वास्थ्य पूरा ख़राब है और ज़िंदगी ख़राब ही पड़ी है बिल्कुल। तो कहते हैं, शर्मा जी अब मेरे पास आओ, बैठ के बात करते हैं, हो सकता है कुछ ठीक ठाक हो जाऊँ, कि हो सकता है आपकी कुछ उसका समस्या का कुछ समाधान निकल जाए। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने कहा शर्मा जी आप तो पुलिस वाले हो, भैया पुलिस वालों से मेरा क्या ट्रीटमेंट होगा, पुलिस वाले क्या ठीक करेंगे मेरे को, पुलिस वाले तो 4 डंडे मारने के आदी होते हैं, और क्या करोगे आप। तो मुझे उन्होंने कहा कि शर्मा जी अब मैं एक अपने वेलनेस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, आप एक दिन आइए मेरे पास और बात करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं उनके पास आया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे वार्तालाप के दौरान उन्होंने मुझे FLV प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मुझसे कहा शर्मा जी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड में, आप लेके देखिए कि हो सकता है आपको इनसे फ़ायदा हो जाए। तो जी इसलिए मैंने, उन्होंने मुझसे कहा कि आप शर्मा जी ये एलोवेरा जेल है, आप ये लीजिए एक, और इससे हो सकता है आपकी एसिडिटी में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं जी एक बोतल एलोवेरा जेल की ले गया, हालांकि मुझे उस टाइम पे इन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन उनके यकीन को देख के मुझे विश्वास हुआ और मैं एक बोतल जेल की लेके गया। तो वो मैंने लेना शुरू किया जैसे उन्होंने बताया था। तो जी 10 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि भी कुछ मेरे अंदर चेंज आ रहा है। तो फिर मैं उसके बाद दोबारा वापस आया, 2 बोतल सेम जेल की दोबारा लेके गया, और जब 1 महीना बीता तो मुझे लगने लगा कि भैया तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो एसिडिटी होती नहीं है। तो फिर उसके बाद भी मैंने उनके कहने के अनुसार अपने एलोवेरा जेल को 2-2.5 महीने पूरा किया, और जिससे उसके बाद मेरी एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो गई। आज तक बिल्कुल एसिडिटी नहीं है मुझे बिल्कुल भी, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैंने उनसे पूछा, क्योंकि अब तक मुझे यकीन हो चला था उनके ऊपर भी, वश जी के ऊपर भी, और उनकी बातों के ऊपर भी, और सबसे ऊपर FLP प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मुझे आपने ऊपर चढ़ते हुए देखा, दोस्तों समझिए जब मैं समय चलता था तो आपको दिखाऊँ, एक घुटना ऐसे करके यूँ चलता था, करके यूँ कर चलता था, और जब सीढ़ियाँ चढ़ता था तो एक इस पे एक घुटने पे अपना हाथ रखता था और तब चढ़ना पड़ता था। कि मेरे बीच में एक हमारे मित्र बैठे हैं जो उन्होंने मुझे देखा था उस टाइम पे, वो भी अब, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, ये हमारे श्री वत्स जी ने, कि शर्मा जी आप इसका FLP का फ्रीडम लेके देखिए, साथ में उसके आप ये अपना आर्टिस्ट लीजिए, साथ में आप गार्लिक थाइम लीजिए, और साथ में आप वो नेचरमेंट लीजिए, और 2 ट्यूबें दी उन्होंने मुझे साथ में, एक वो अपने MSM जेल और हीट लोशन, ये आप लगाइए घुटनों पे। तो मैंने उनका प्रयोग शुरू किया, उन्होंने कहा जी 1.5-2 महीने में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मैंने ये शुरू किया दोस्तों, 15 दिन बीते, समझिए मुझे तो लगा कि मेरा दर्द तो है ही नहीं,
जो मैं 100 कदम नहीं या 100 मीटर नहीं चल पाता था, 500 मीटर घूमने जाने लगा शाम को मैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा जी आप कंटिन्यू कीजिए, तो मैंने वो कंटिन्यू किया। और आज आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं आज सुबह 5 बजे उठ के पार्क में पहुंचता हूं, और हमारे पार्क का जो है 375 मीटर का एक चक्कर है, उसको मैंने सिर्फ एक चक्कर शुरू किया था, आज मैं 8 चक्कर सुबह लगाता हूँ, 8 चक्कर, और जो कि पूरा 3 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर, और शाम को लगाता हूँ 6 चक्कर, तो रोजाना 5.5 किलोमीटर में घूमता हूँ पैदल। और देखिए मैं आज जब मैं सीढ़ियों पर चला स्टेडियम की पे, मैंने एक बार भी अपने कंधे पे ने अपने पैर पे हाथ नहीं रखा, इसीलिए मैं आपको कह रहा था, देखा मुझे आपने, तो 5.5 किलोमीटर रोज चल के भी। तो ये है सर FLP प्रोडक्ट्स की, ये है अद्भुत जादूगरी जो कि मैंने अपने आप देखी है, जो मैंने अपने आप इसको महसूस किया है। इसके बाद मुझे वशिष्ठ जी ने कहा शर्मा जी बाकी सब ठीक है, जब तक आपका वेट नहीं ठीक होगा तब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं होंगे, आपको दिक्कत रहेगी। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लीन डाइट शुरू कीजिए, मैंने लीन डाइट शुरू किया इनके कहे अनुसार। उन्होंने कहा जी आपको एक्सरसाइज भी करनी है और आपको साथ में डाइट कंट्रोल करना है, तो मैंने दोनों चीज़ें की। इन्होंने मुझसे कहा था कि आपको आपके ये इस आपके 9 दिन में 4 किलो तक वेट कम हो सकता है आपका, तो मैंने पूरी निष्ठा के साथ, आप ये कहेंगे मैंने एक तराजू लेकर के उसमें तोल तोल के खाना खाया, पूरी कैलोरीज का ध्यान रखा, और जब मैंने 9 दिन बाद अपना वेट किया तो दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा वेट कहाँ था और कहाँ आ गया। मेरा वेट 9 दिन पहले 115 था और खाली 9 दिन के अंदर वो 107 पे आ गया, 8 kg आई लॉस्ट इन ओनली 9 डेज, 8 kg। उसके बाद मैंने अपना वो दूसरा कोर्स ऑफ लाइफ स्टाइल 30 भी यूज किया, और मैंने अगले 30 दिनों में 8 किलो वेट और कम किया, 40 दिन में मेरा वेट 115 से खाली 99 आ गया, और मैं उसको कंटिन्यू अब भी कर रहा हूँ। आज मेरा वेट 3 महीने बीते हैं, मेरा वेट 24 किलो कम हो गया है और मैं 91 kg। आज मेरा बेटा कह रहा था पापा आपने जो ड्रेस पहनी है ऐसी लगती है आपने किसी से मांग के ये पहन लिया है, ये तो आपको आती ही नहीं, अब तो बहुत ढीली हो गई है। तो दोस्तों ये है FLP के प्रोडक्ट से कमाल। और देखिए इसके बाद दोस्तों जब मुझे पूरा विश्वास हुआ तो मेरी वाइफ पिछले 25 साल से उससे शुगर से पीड़ित थी, उनको डायबिटीज थी, रोजाना इंजेक्शन लिया करती थी उसके इंसुलिन का। दोस्तों मैंने श्री वस्ती के कहने के अनुसार उनको कुछ प्रोडक्ट्स दिए, आज उनकी शुगर भी कंट्रोल है, इनका इंजेक्शन भी बंद हो गया है। और मेरे दामाद जी को हर्निया था, उस हर्निया के लिए उन्होंने प्रोडक्ट्स दिए, आज वो ऑपरेशन से बच गए, उनको कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको मैं बिल्कुल आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी प्रयोग कीजिए सारे, आपको पूरा फायदा होगा। ये FLP प्रोडक्ट्स तो खाली नाम के प्रोडक्ट्स हैं, वैसे तो ये अमृत है आज की रेट का, अमृत पिएंगे तो अमर होंगे ही, आप हमेशा ठीक रहेंगे जिंदगी भर। दोस्तों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, यूज करके देखिए एक बार, आपको अपना पता लगेगा। तो दोस्तों इस सब के लिए मैं सबसे पहले तो उस जो हमारे इस कंपनी के चेयरमैन हैं श्री रेक्स मोहन जी, उन महापुरुष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपने तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे अद्भुत प्रोडक्ट्स बनाए जिससे कि मेरे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जीवन मिला दोबारा। मैं तो ये कहूँगा जीवन मिला, कि आप देखिए मैं बिल्कुल परेशान था, जिंदगी से हताश था, और मैं आज इतना सुखी महसूस करता हूँ अपने आप को, ये सब श्री रक्ष मोहन जी के उससे कोशिशों से हुआ जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए और जिससे कि हम सबको फायदा हुआ। तो मैं एक बार तहे दिल से दोबारा से ये मैं श्री रक्ष मोहन जी का धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू सर। सर उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने कंट्री मैनेजर मिस्टर अमरजीत उभी का, जिन्होंने कि इस देश के अंदर अपने FLP प्रोडक्ट्स को लाए और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों का फायदा किया। दोस्तों इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, देश प्रेम कहते हैं, इसको सच्ची देशभक्ति कहते हैं, जो कि अपने आराम छोड़ के सब कुछ छोड़ के और यहाँ आकर के इस देश में आकर के उन्होंने ये सोचा कि मेरे देशवासियों का भला हो और मेरे देशवासी एक तो अपना सुखी जीवन जिए। सो सर थैंक यू, सर थैंक यू भी सर। सर उसके बाद सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने गाइड अपने कोच श्री SV वस्ती को, जिन्होंने इतना कष्ट लिया और जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को जिनको कि इस बारे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, तो उन्होंने मेरा विश्वास बनाया इन प्रोडक्ट्स पे और मेरी ज़िंदगी में ये बाहर लाए। उसके बाद दोस्तों मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, आपने इतने समय तक मुझे सुना, मुझे झेला और आप चुप रहे,
ओके थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।